रजक समाज का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी। सीएम से मुलाकात करने के बाद ही हम तोड़ेंगे उपवास। मध्य प्रदेश मामा को पता पड़ रहा है ये भांगे तो बहुत दिलचस्प हो रहे थे, मगर अब जाग चुके हैं, मगर अब जाग चुके हैं। तालियों से स्वागत करेंगे हम सरकार, बहुत ही ओजस्वी भाषण के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सरकार, इतने अच्छे विचारों के लिए जोरदार तालियों से। समय के लिए मैं अगला नाम बुलाना चाहूँगी। साथियों, अगर आप लोग बुलाने की देरियत तोड़ना चाहते हो तो कौन कौन लोग किसी क्षत्रिय ब्राह्मण के घर में जाते हो तो आपको उस घर में नहीं घुसने दिया जाता है, आपको उस किचन में नहीं घुसने दिया जाता है। मगर वो घर में कुत्ता पालते हैं, उस कुत्ते को किचन में घुसने की इजाजत होती है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी साथियों से कि संगठित हो और एक कैलाश नाथ संयुक्त मोर्चा रजक समाज मध्य प्रदेश, बहुत सारी टीम पधारी है और सभी चाह रहे हैं कि हमें पूरा मौका मिले, अवसर मिले यहाँ बात करने का। और हमारा भी प्रयत्न ये है कि हम सभी वक्ताओं को सुन सकें और जो नए वक्ता यहाँ पे बोलने के इच्छुक हैं उन्हें भी समय देने की पूरी कोशिश, पूरा प्रयत्न है हमारा। और आपको भी समझना होगा, यहाँ विचार रखें और बहुत ही फ्रेंडशिप में रखें ताकि आपका बोलने का प्रचार भी हो जाए और बाकी अन्य जो है वो समिति मेरे पास यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। नरसिंहपुर एबीडीएम समिति से, नरसिंहपुर एबीडीएम समिति से पठाए हुए हमारे पांच आदमी के ज्ञापन दिए, ओएसडी साहब को 1000 ज्ञापन दे चुके हैं और हमें आज तक कोई जवाब नहीं मिला। हम सिर्फ सीएम साहब से ही मिलेंगे, सीएम साहब ही खुलवाएंगे। रविशंकर बिल्कुल अटल विश्वास और सीएम साहब हमारे बहुत प्यारे, हम चाहते हैं हमने सीखा उन्हीं से उपवासी का। जब वो दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना काम कैसे करना चाहिए जानते थे। उपवास बैठे थे ठमाकिन में, हम भी उनके साथ बैठे थे, आज उनसे सीखे, उन्हीं के चेहरे हम भी उपवास पे उनसे सीखे बैठे। हम चाहते हैं, हमसे निवेदन उनसे की।